बम बम बोले, बम बम बोले। हमें लगा हम भी फन्ने खान है जो सुबह निकले। See how it goes with our dancing camper. तो ये बहुत ही पुराना गांव है। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है यहाँ पे और सांस इतनी ज्यादा फूल रही है। It's emotional. जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी आदि कैलाश की यात्रा। कल रात को काफी बारिश हुई, ऐसा लग रहा था कि बादल रहेंगे, पता नहीं मौसम कैसा रहेगा, पर भोलेनाथ की कृपा रही और आज अभी सूरज निकल गया है और मौसम भी अभी साफ ही लग रहा है। तो अभी हम सुबह सुबह जल्दी 6 बजे यात्रा के लिए निकल रहे हैं और अब हम मिलते हैं आगे यात्रा पे। हाँ, क्योंकि लोग हमें छोड़कर निकल जाएंगे। तो लेट्स गो। जयकारा वीर बजरंगी। बम बम बोले, बम बम बोले। तो हम पहुंच गए हैं कुटी विलेज। ये है कुटी विलेज हमारे पीछे, जो कि लास्ट विलेज है यहाँ का इंडिया तिब्बत बॉर्डर पे। और यहाँ पे हमारा चेक पॉइंट है, यहाँ हमारे परमिट्स चेक होंगे, फिर हमें एंट्री मिलेगी यहाँ से आगे आदि कैलाश की तरफ जाने के लिए। ये सभी गाड़ियाँ हैं जो चेक पोस्ट क्लियर के लिए, क्लियरेंस के लिए रुकी हुई हैं और हमारा कोई होगा 10वां नंबर शायद। तो अभी हम वेट करेंगे क्लियर होने तक। सब इतनी सुबह सुबह निकल आए हैं दर्शन के लिए। हमें लगा हम ही फन्ने खान है जो सुबह निकले। तो जब तक हम वेट कर रहे हैं परमिशन क्लियर होने की, लेट अस गिव योर हेल्थ अपडेट। हम एक्चुअली थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं, कोल्ड अभी भी है, नाक बीच बीच में बंद हो जाती है, बट मच बेटर, मच मच बेटर। हाँ, पहले 2 दिन तो बहुत बॉडी एग्जॉस्ट हो रही थी, पर अब ओम पर्वत दर्शन भी किए कल अच्छे से और आज होपफुली आदि कैलाश दर्शन भी करेंगे अच्छे से। उसके लिए हम 1.5 या 2 किलोमीटर का ट्रैक है वो भी करेंगे, तो इसलिए बॉडी ऑलरेडी यू नो प्रिपेयरिंग इटसेल्फ। और अभी कुटी विलेज से भी आगे 1 घंटे की ड्राइव है, ऑफ रोड ड्राइव है, और यहाँ पे तो हमें ग्रीनरी दिख रही है बहुत अच्छे से, बट बता रहे हैं कि आगे बिल्कुल भी ग्रीनरी नहीं दिखेगी। इट्स गोना बी ऑल रॉकी माउंटेन्स। वी सी हाउ इट गोस विद आवर डांसिंग कैंपर। ये बहुत ही पुराना गांव है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितने साल पुराना है। इस गांव का नाम है कुटी विलेज, जो कि माता कुंती के नाम से पड़ा है। यहाँ पे पांडव किला भी है, कुंती माता यहाँ पे आके रुके थे और इसी वजह से इस गांव का नाम कुटी विलेज है और दैट्स वाई दैट किला इज कॉल्ड पांडव किला।
हम पहुंच चुके हैं ज्योतिर्लिंगम बेस कैंप पे। यहाँ से जो आदि कैलाश यात्रा है वो एक्चुअली शुरू होती है। वैसे टफ नहीं है और स्टीप नहीं है, बट ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है यहाँ पे, तो रेकमेंड किया जाता है, जैसे हमारे ग्रुप में से भी जो सीनियर्स थे उन्होंने रेकमेंड किया है कि वो घोड़े पे जाए या ना जाए, क्योंकि आपको आदि कैलाश के दर्शन यहाँ से भी हो जाएंगे, हमें भी हो चुके हैं। और यू नो एक डिफरेंट एनर्जी है, बट वी वांट टू फील दैट फ्रॉम थोड़ा और नज़दीक से। तो अभी हम वहीं पे चलेंगे और वहाँ पे क्या है, और वहाँ पे सरोवर है और गौरीकुंड भी है दूसरी साइड, बट कह रहे हैं कि गौरीकुंड अभी पूरा फ्रोजन है, रास्ता बंद है, तो आई डोंट थिंक हम वहाँ जा पाएंगे। और हमारे बिल्कुल एकदम पीछे है पार्वती मुकुट, मतलब एक पर्वत है वो जो मुकुट की शेप में है, जिसे पार्वती मुकुट कहते हैं। तो बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ पे, चारों ओर पहाड़ हैं, कुछ पहाड़ थोड़े से ग्रीनिश ब्राउनिश से हैं, कुछ एकदम वाइट, पूरे बर्फ़ से ढके हुए। तो अभी हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते, ऑलरेडी इतना बोल चुके हैं। तो बट जस्ट टू टेल यू ये हम एलिवेशन क्या है, यहाँ का एलिवेशन है 15,000 15,000 के करीब, यहाँ की एक्चुअली है 14,500, तो अभी अबाउट 1500 नॉट 1500 मीटर हम नॉट मीटर फीट और ऊपर जाएंगे, तो अबाउट 15 समथिंग जो जहाँ से हम आदि कैलाश के दर्शन कर सकेंगे हम वहाँ पे जाएंगे। सो लेट्स गो, लेट्स गो। अभी आई थिंक हम 50 मीटर भी नहीं चले होंगे और सांस इतनी ज़्यादा फूल रही है, आज तक आई थिंक हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ ट्रैकिंग करते हुए, बहुत सांस फूल रही है। तो हमें अभी यहाँ पे कुछ मीटर बाद हमें स्टॉप लेना पड़ रहा है ताकि हम दोबारा अपना ऑक्सीजन लेवल गेन कर सके। हाँ, सो बी केयरफुल, अगर आप भी आते हो तो जल्दबाजी मत करना, आराम आराम से चलना। पार्वती माँ का है। अच्छा पार्वती, चलो फिर उधर ही जाना। अभी आपके सामने, हमारे सामने है आदि कैलाश पर्वत, जो कि हमारी यात्रा सफल हुई। बहुत मुश्किलें थी, बहुत कंफ्यूजन थी कि मौसम और रास्ते कैसे होंगे, बट महादेव की कृपा रही और हमें आज इसके दर्शन हुए। एक अलग ही वाइब है इस जगह की, एक एनर्जी फील होती है एंड यू फील अ लिटिल बिट इमोशनल टू, क्योंकि आप बहुत मेहनत से बहुत श्रद्धा से, कई लोग आते हैं, हम तो चलो इतनी श्रद्धा से नहीं टू बी ऑनेस्ट, लेकिन एक मन में विश्वास लेके आते हैं कि महादेव के पास जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। पास नीचे है भीम खेती, वहाँ पे नेचुरली धान उगती है, उसमें कहते हैं दाने नहीं होते धान के, बट एक धान जैसी जो भी उपज होती है वो उगती है, उसे पार्वती खेती भी कहते हैं, भीम खेती भी कहते हैं।
हमारे इस साइड है, कैलाश पर्वत के दूसरी साइड है पांडव पर्वत, जो पांच पीक्स आपको दिख रही हैं, ये पांच पांडवों को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये आदि कैलाश के बिल्कुल एकदम साइड में है। और अगर आप देखोगे ध्यान से तो आदि कैलाश के बिल्कुल नीचे, अभी तो रास्ता बंद है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा यू नो एवलांचे आई हुई है, बर्फ़ नीचे आई हुई है, तो रास्ते बंद किए हुए हैं। तो गौरीकुंड है वहाँ पे, जो कि कैलाश पर्वत से बर्फ़ और पानी बिल्कुल गौरीकुंड में जाता है, जिसकी वजह से वो गौरीकुंड कहलाते हैं। यात्रा पे आए अपने साथ वॉर्म क्लोथ्स लेके आए, एक्स्ट्रा लेयर्स। हमने अभी तीन तीन लेयर्स पहन रखी हुई हैं और फिर भी ठंड लग रही है, और मेक श्योर कैप तो जरूर लेके आए। तो चाहे आप जिस मर्जी के लिए वीडियोस बना रहे हो, लेकिन एक पॉइंट ना ऐसी जगह पे आके आता है कि आप सब कुछ छोड़ के कुछ देर बैठते हो, एंड व्हेन यू सिट यू फील दैट कामनेस, यू फील द एनर्जी ऑफ दैट प्लेस, पीस मिलता है आपको। यू टॉक टू योर सेल्फ, योर इनर सेल्फ, भगवान से बातें करते हो, मांगते हो, सॉरी बोलते हो अपनी चीज़ों के लिए, थैंक यू करते हो, थैंक यू बोलते हो, और एक बड़ी इमोशनल सी फीलिंग आ जाती है। थोड़ा सा मेडिटेशन भी किया, आंखों में पानी आ जाता है अभी भी, आई डोंट नो, इट्स इमोशनल। दिस प्लेस इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। यहाँ क्या फील करोगे आप, वो सिर्फ जो आएगा वही फील कर सकता है। हम वीडियोस के थ्रू चाहे लाखों वीडियोस बना लो इसके ऊपर, वो फीलिंग नहीं आएगी। अगर भगवान ने बुलाया और आपने चाहा तो ज़रूर यहाँ के दर्शन करना एक बार। जय भोलेनाथ।